देश के 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 3500 सीटों पर प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिसंबर को क्लैट यानी कॉमन सी एडमिशन टेस्ट आयोजित किया गया। क्लैट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के स्कोर क्लैट की वेबसाइट पर 10 दिसंबर को घोषित किए गए। वहीं पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2024 के परिणामों में राजस्थान के लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के जय कुमार बोरा ने 118 में से 108 अंक प्राप्त कर पूरे देश में पहले मेरिट पर कब्जा जमाया है। लॉ प्रेप से अध्ययन करने वाले टॉप 50 में से 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। लॉ प्रेप के जिज्ञासा ने 103.50 मार्क्स हासिल कर ऑल इंडिया 9वीं रैंक, गौरव ने 102 मार्क्स हासिल कर 18वीं रैंक, विपुल ने 101.75 मार्क्स हासिल कर 21वीं रैंक प्राप्त की है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में देवतेज ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, वंशिका ने 11वीं रैंक, एसटी कैटेगरी में अभय मीणा ने ऑल इंडिया में दूसरी रैंक, एससी कैटेगरी में हिमांशी ने ऑल इंडिया में 6ठी रैंक और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में त्रिशा ने 8वीं रैंक, वंशिका ने 11वीं रैंक हासिल की है। ऑल इंडिया में सफलता हासिल करने वाले लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के विद्यार्थियों ने बताया कि 10 से 12 घंटे की स्टडी के साथ ही लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में होने वाली एक भी क्लास को मिस नहीं किया। परीक्षा की तैयारी के लिए लॉ प्रेप में 100 मॉक टेस्ट से रेगुलर प्रैक्टिस की और करंट अफेयर्स और नोट से नियमित अध्ययन किया और जय ने बताया कि सभी विषय की तैयारी के लिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लॉ प्रेप टीम के द्वारा प्रॉपर गाइडेंस हो तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। मेरी सफलता का श्रेय माता पिता और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को देना चाहता हूँ। देखिए 2008 से क्लैट का आयोजन हो रहा है और ये वाला जो क्लैट था वो 2024 सेशन के लिए है। इतने सालों में 2017, 2018 और 2019 इन 3 सालों में राजस्थान से ऑल इंडिया टॉपर निकला है और उसके बाद वापस 4 साल बाद अब 2024 सेशन के लिए राजस्थान का बच्चा उदयपुर रहने वाला और बच्चा जो है वो आज टॉपर निकला है। तो राजस्थान में ये बहुत बड़ी बात है। देखिए टॉपर निकलता है तो बहुत उसका इम्पैक्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है और उससे अवेयरनेस बढ़ती है और बहुत ज़्यादा बच्चे उस फील्ड में जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान देखिए, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं, 4 बार चीफ जस्टिस राजस्थान से रहे हैं। इस समय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज हैं दलवीर भंडारी जी, वो भी राजस्थान के हैं। तो राजस्थान ने लॉ में, जुडिशरी में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। कई बार BCI चेयरमैन, को चेयरमैन राजस्थान से रहे हैं। तो राजस्थान ने लॉ के फील्ड में एक बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है और मैं समझता हूँ इससे सारे, बहुत सारे बच्चों में अवेयरनेस आएगी और लॉ का और स्कोप, क्रेज और लॉ का जो है वो बढ़ेगा। इसके साथ क्लैट के लिए जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो 11th 12th के साथ, क्योंकि ये एग्ज़ाम ज़्यादातर 12th के साथ वाले बच्चे ही देते हैं, हालांकि 12th के बाद ड्रॉप भी करते हैं बच्चे, लेकिन सही जैसे समय पूछा आपने तो 11th के साथ इसको प्रिपेयर करना या शुरू करना चाहिए। मेरा नाम सागर जोशी है, मैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम विपुल खींचा है, मैं सेंट जेवियर्स जयपुर से हूँ। जो आपने सवाल पूछा कि पापा के साथ थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ जस्ट एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वॉट हैपन्स टू यू यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस दैट, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट्स अंडर योर इन्फ्लुएंस। तो मैंने भी यही माना और मैंने इसको पॉजिटिवली लिया कि मेरे पापा भी ठीक होंगे और मेरी रैंक भी अच्छी आएगी, ये सोच के पढ़ाई की। मैंने जब लॉ स्टार्ट किया तो मैंने मेरी मम्मी को देख के, मेरे पापा को देख के स्टार्ट किया था कि इन लोगों ने जितनी मेहनत की है, खुद की प्रैक्टिस की है CA में, उससे मैं इंस्पायर हूँ। तो मैं वैसे तो चाहता हूँ कि मैं कुछ लिटिगेशन में करूँ, बाकी आगे बताएंगे जो जैसे ऑप्शन होंगे उसको देख के। मेरा नाम गौरव बिश्नोई है और मेरी ऑल इंडिया 18 आई है। और सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को थैंक यू कि उन्होंने मेरे को हर बार जो तुझे करना है वो कर, वो ऐसा बोला। और फिर बाद में लॉ प्रेप को भी बोलना चाहूँगा कि वो पीछे से मोटिवेशन मिलता रहा, जब भी अगर डाउन लगा थोड़ा कि अगर मेरा कुछ क्या होगा या नहीं होगा, तो मैम्स हर बार थे, सर भी साथ में थे, तो वो कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता रहा। एंड एट द एंड ये जर्नी जो पूरे 1 साल की थी वो ख़त्म हुई और मेरे को जो ड्रीम कॉलेज चाहिए था वो मिल गया। जी
कंपटीशन से ज़्यादा नहीं था, बट सपोर्ट ज़रूरी मिला क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए तुझे, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, फिर कैसे कूल रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, और क्या क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती है अगर तुम्हें एक टॉप लॉ कॉलेज के अंदर जाना है। तो वो सारी इंस्पिरेशन मुझसे उनसे मिली, और मोस्टली मोटिवेशन भी वही था क्योंकि उनको देख के मैं इस फील्ड के अंदर आया था। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर कि 5 साल मैं सोचता हूँ क्या करना है मुझे। मोस्टली देखते हैं कॉर्पोरेट फील्ड भी हो सकती है या फिर अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर कि आगे मैं क्या करूँ। सारी प्रिपरेशन लॉ प्रेप ने जो बताया था मैंने एग्जैक्टली उसी तरीके से करा, एंड बीच में कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट उनके मेथड को फॉलो करा एंड इन दी एंड हो गया। और लॉ को लेके मेरा इंस्पिरेशन तो मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद लॉ करी थी, वो LIC से रिटायर्ड थे एंड देन उन्होंने लॉ करी, तो वो मेरा इंस्पिरेशन थे हमेशा से लॉ के लिए, तो दैट वाज दी मोटिवेशन इंट्रिंसिकली। एंड लॉ प्रेप का बहुत सपोर्ट रहा तो इसकी वजह से लॉ में बहुत अच्छा रहा एंड मेरा इंटरेस्ट भी, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा कि कैसे होगा क्या होगा, बट इवेंचुअली चीज़ें सेटल डाउन हो गई पेपर तक। हाँ, ऐसा मुझे हमेशा लगता था कि लाइक इवन पेपर के पहले तक की चीज़ें रह गई हैं, बट देन एक पॉइंट के बाद प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ करें, बाकी चीज़ें जो छोड़नी है वो छोड़ देंगे। लाइक एग्ज़ाम्स के दौरान मैंने फ़ोन का यूजेज तो बहुत कम रखा था एंड बाकी भी फ्रेंड्स के साथ मिलना एंड एवरीथिंग, लास्ट के जो टाइम थे एग्ज़ाम से पहले तब स्कूल भी नहीं जा पाया था, तो कुछ चीज़ें तो सेक्रीफाइस करी बट इन दी एंड बहुत वर्थ इट था। मैं लीगल टेक के उसमें आगे काम करना चाहता हूँ, लाइक अभी मैं कल गया था IIT जोधपुर, तो मैंने एक डीन है वहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उनसे मैंने डिस्कस भी करा था, तो मैं चाहता हूँ कि लीगल एंड टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है उसके अंदर वर्क करना।